वन कलर फूड चैलेंज, क्योंकि भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट आती, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी वन कलर फूड ये क्या था। Run. Many minutes later. हर जगह चादरें लगा दी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ भाई कितनी ज्यादा गर्मी है भाई, दांत कितने बड़े लग रहे हैं, तभी मैंने तार लगवाए थे दांतों में। ये देखो मैं यहाँ पर ना लाइटें भी लगाने वाली थी, वो जो दिवाली वाली लाइट होती है ना, पर फिर मेरी मम्मी ने बोला कि इतना उजाला हो रहा है अब क्या करेगी। और मैं यहाँ पर पूरे दिन रहने वाली हूँ, आप सबको हैट्स ऑफ है जो 24 आवर्स मतलब रह लेते हैं बालकनी में। भाई मैं यहाँ रात होते यहाँ छिपकली चूहे कॉकरोच सब आने लग जाते, भाई मेरे बस की नहीं है। एक बार को छिपकली भी आ रही होती, चूहा भी आ रहा होता, मैं रह लेती, कोई दिक्कत नहीं। भाई कॉकरोच के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगी भाई। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पूरे दिन यहाँ चैलेंज करने के लिए बैठ, शोर आने वाला है गाइस क्योंकि बालकनी है तो शोर आएगा ही। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन यहाँ पर चैलेंज करने के लिए बैठने वाली हूँ, इसीलिए फिर तो मैं हिल नहीं पाऊंगी भाई यहाँ से। तो मैंने सोचा यहाँ आने से पहले मैं मैगी बना लूँ और जल्दी से खा लेती हूँ, तब मैं आकर के बैठती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मेरे घर में खिचड़ी बनी हुई है एकदम पतली वाली, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैगी खा लेती हूँ। अगर बाद में और भूख लगेगी तो मैं खिचड़ी भी खा लूंगी। तो पार्टी है भाई, आज के दिन पार्टी होने वाली, पार्टी हो रही है। कोई चैलेंज वैलेंज तो मुझे ये ज्यादा टफ लग नहीं रहा है। हाँ 24 आवर जो करते हैं भाई उनके लिए टफ है, मुझे तो पता है मैंने शाम तक उठ जाना है यहाँ से, इसीलिए मेरे को लग रहा है। तिरछा फोन करके वीडियो बनाना तो यही दिक्कत रहती है, इधर की साइड देखती रहती हूँ, देखना उधर की साइड होता है कैमरे की साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गंदी शक्ल बनाती हूँ मैं यार। तो गाइस आज हम आटा मैगी बनाने वाले हैं, एक ही पड़ी हुई थी भाई, वो भी बचा बचा के रखी थी मैंने कि मेरा भाई ना खा ले। तो गाइस मैगी हमारी रेडी हो चुकी है आटा वाली, अब इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस मैगी हमारी रेडी है, इसमें मैंने काफी सारा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। मस्त लगती है भाई ऐसी मैगी, मतलब ज्यादातर लोगों की बालकनी वैसी होती है जहाँ छाया आ रही होती है। गाइस मेरी ऐसी है ना, यहाँ पर ना इतनी ज्यादा धूप आती है ना तो पक जाती, बिल्कुल बहुत तेज धूप आती है, इसलिए मुझे ये लगाना ही पड़ा, बट कहीं ना कहीं कूल लग रहा है। और देखो मैंने अभी से अभी आई हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने सारा सामान फैला भी दिया है। कैसे हरकतें करती रहती है, कभी कभार ना अपने आपको देख के मेरे को लगता है तुम पागल है क्या, एडिटिंग कर रही होती हूँ ना मैं, अपनी शक्ल देख के हो जाता है करना जरूरी था, कोई बात भी नहीं होती। फिर भी पीली वाली जो मैगी होती है ना, वो बिना आटे वाली, दो मैगी अभी तक खत्म हो जाती है, एक आटे वाली मैगी अभी तक खत्म नहीं हो पाई, ये देख रहे हो ज्यादा होती है, पता है आपको। अब पूरे दिन मैं बिल्कुल भी यहाँ से हिलने नहीं वाली। क्या है बंद करना, कटोरा चमक गया एकदम, धोने की भी जरूरत नहीं है। तो गाइस अब मैं सोने की एक्टिंग करूंगी जैसे करते नहीं है एकदम परियों की तरह, मतलब ऐसे क्यूट से सोने की एक्टिंग करूंगी, ऐसे नहीं जैसे रियल में सोते हैं ऐसे हंसते हुए जैसे सोते हैं ना, वैसे एक्टिंग करूंगी अभी मैं, आपने उसको रियल मानना, सच मानना। शी मैं तो ऐसे एक्टिंग करके भी सो रही हूँ ना, मैं फिर भी बदसूरत, जब मैं रियल में सोती हूँ ना तब तो मैं दानव नहीं लगती हूँ, एकदम पिशाचिनी रैटली सी शकल की। चलो बैठे रहते हैं, क्या हो गया भाई, ये भी एक एक्सपीरियंस है कि भाई हमने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाई कि हम लोग इतना भी कुछ नहीं हो रहा है, तू माउंटेन नहीं चढ़ रही है, घर पे ही है, घर ही है ये, भाई क्या करें, यहाँ पर टाइम पास ही नहीं होगा अगर मैं बैठी रही, और आपसे भी कितना बोल लूंगी मैं, है ना, पक जाओगे आप भी, तो इसीलिए थोड़ी देर मैं मूवी देखूंगी। मेरी ऐसी आदत है ना, अगर मैं कोई चैलेंज कर रही हूँ तो मैं ना हार नहीं मानती, एक बार मजाक कर रही हूँ हार मान लेती हूँ, कितने सारे चैलेंज फेल हुए तेरे बेवकूफ। गाइस मेरा भाई मेरे को परेशान कर रहा है, ये देखो रिवील करो गंदी शक्ल रिवील नहीं कर रही। गाइस आप लोग अनसब्सक्राइब कर दोगे अगर मैंने इसकी शक्ल दिखा दी। बहुत ज्यादा बकवास हो गई, अब मैं देख रही हूँ मूवी स्पाइडरमैन, और यस आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। छी मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मुंह देख बेटा अपना मुंह देख। खैर मैं ज्यादा चूहे और छिपकली से डरती नहीं हूँ, मेन जो है वो है कॉकरोच, अब वो आने वाले हैं यहाँ पर मीटिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी से ये चैलेंज खत्म कर दूंगी आधे एक घंटे में। तो अंधेरा सा हो गया भाई, कति
कहाँ एकदम चटक धूप में मैं बैठी थी यहाँ पर, और अभी कितना सही लग रहा है एकदम। गाइस मेरे घुटने दर्द होने लग गए भाई, सुबह से बैठे बैठे चटक गए। अंधेरा हो चुका है हमारे महल में। तो गाइस बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है, मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही। बाहर थोड़ा सा उजाला है लेकिन। कितनी डरावनी है। तो वैसे भी हम नॉर्मल डेज में भी कभी यहाँ पर आकर नहीं बैठते थे, सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए बालकनी का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज धूप आती है, बंदा सूख जाए खड़े खड़े यहाँ पर, और रात के टाइम कीड़े वीड़े भी बहुत चलते हैं, तो इसलिए भाई मेरे को तो डर लगता है। तो इसलिए मैंने आज पहली बार, मतलब मैं जिंदगी में इस बालकनी में इतनी देर तक बैठी रही, भाई घुटने चटक गए मेरे तो। बस यही था चैलेंज, और मैं आपको मिलूंगी अगली चैलेंज के साथ, वन कलर फूड चैलेंज, क्योंकि भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी वन कलर फूड ये क्या था। भाई चूहा है यहाँ पर, जल्दी बोलती हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। बन जाऊंगा टीवी लोगर।